एस्प्रेसो VXA प्लस काफ़ी धमाल मचाने वाली कार है, बहुत ही अच्छी कार है। स्मॉल SUV भी इसको बोलते हैं। ऑफ रोडिंग करें, विलेज में चलाएं, गांव में चलाएं, कहीं पे भी चलाएं, हाई ट्रैफिक में भी चलाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस कार में। लुक्स वाइज काफ़ी अच्छा है, एक मिनी SUV वाला लुक्स इसमें दिया गया है। हेलोजन हेडलैम्प्स है, फॉग लैम्प का भी ऑप्शन दे दिया गया है। अगर आप नाइट के टाइम में फॉगी वेदर में भी चलाते हैं तो फॉग लैम्प आप लगा सकते हैं, वो भी कंपनी में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो छोटी सी कार में चक्का भी बहुत ही ज़बरदस्त है। 13 इंच का आपको टायर साइज इसमें मिल जाएगा जो कि अच्छा है। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है। इंडिकेटर्स आपको फेंडर में मिलेगी जो कि इस तरीके से इसकी लाइट जलेगी। बॉडी कलर मिरर्स दे दिया गया है और पूरी जीप वाला लुक्स है इसका। मिनी SUV इसीलिए इसको बोलते हैं। 25 का एवरेज कंपनी कस्टमर भी फीडबैक दे रही है और कंपनी भी 26 का क्लेम कर रही है। तो रियर लुक्स पूरा सिंपल सा इसका बनाया गया है क्योंकि वैल्यू फॉर मनी है। 4.5-5 लाख में इससे अच्छी कार आपको नहीं मिलेगी। आप एसेसरीज 30-40 हज़ार का लगाए तो भी काफ़ी ज़्यादा होगा इसके लिए। रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे, पार्किंग सेंसर्स और चाबी से आप बैकडोर को खोल सकते हैं या तो पुल वाला स्विच ड्राइवर साइड में दिया हुआ है उससे भी आप खोल सकते हैं। बूट स्पेस काफ़ी बड़ा है, पार्सल ट्रे भी है और पूरी सीट अगर आप फोल्ड कर देंगे तो बड़ा सा बड़ा सामान भी इसमें आराम से घुस जाएगा। अगर आप मार्केटिंग करते हैं या तो शॉपिंग करने जाते हैं तो सामान लगेज के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको इस एस्प्रेसो में मिलेगी। 5 सीटर कार है, फीचर्स भर की है क्योंकि ये VX मॉडल में है। और इसमें अच्छा चीज़ ये है कि आपको हेडरूम और लेगरूम बहुत अच्छा मिलेगा। हेडरेस्ट नहीं है, फिक्स हेडरेस्ट है इसमें, जो वो भी बहुत ही अच्छी है। पीछे का जो डोर है वो आप मैन्युअली ऊपर नीचे कर सकते हैं। पावर विंडोज नहीं दिया गया है ताकि पैसा बचाना है। एक कम प्राइस में आपको अच्छी कार भी देनी है मारुति को, तो हर चीज़ के लिए सोचा गया है। फ्रंट सीट भी काफ़ी अच्छा है। डोर्स में कोई भी पावर विंडो ये सब नहीं दिया गया है ताकि सारा एक जगह कंट्रोल हो। बजट में आपको ये कार मिल जाए। डैशबोर्ड में पावर विंडोज का स्विच दे दिया गया है। अब अच्छा चीज़ ये है कि इसमें 2 चाबी है, एक इलेक्ट्रिक एक मैनुअल। इसमें भी कॉस्ट कटिंग किया गया है ताकि हर तरफ से, मैंने जैसे बताया, कम से कम में आपको ये कार मिल जाए। डिजिटल आपको मिल रही है जो कि थोड़ा स्टाइलिश दे दिया गया है, मैनुअल नहीं है इसमें। और सब डिजिटल स्पीड इसमें सारा चीज़ दिखाएगा। टच स्क्रीन भी बहुत अच्छा है। डुअल एयरबैग सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डुअल एयरबैग इसमें दे दिया गया है। सामान रखने के लिए छोटा सा छोटा जगह को यूज़ किया गया है। अब इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ टस्किन जो 7 इंच का, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। स्मार्ट प्ले स्टूडियो विद एप्पल कार प्ले, इतना भी फीचर्स इसमें दे दिया गया है। पावर विंडोज फ्रंट में 2 स्विच दिया गया है ताकि दोनों पावर विंडोज कंट्रोल एक ही तरफ में रहे, 2 स्विच में काम चला गया। और यहाँ पर सारा AC का कंट्रोल, कप होल्डर्स, ऑटोमेटिक। अब छोटा सा कार को चलाने के लिए और भी सिंपल कर दिया गया है ऑटोमेटिक। ब्रेक और एक्सेलरेशन कोई भी गाड़ी चला लेगा भाई। ड्राइव मोड, रिवर्स मोड में आराम से गाड़ी आप चला सकते हैं। पेट्रोल भरने के लिए, बैकडोर खोलने के लिए यहाँ पे स्विच है। हेडलैम्प ऊपर नीचे करने के लिए, बोनेट खोलने के लिए। तो कंप्लीट फीचर्स के साथ फ्रंट में 2 स्पीकर्स, पोर्टल होल्डर, सारा चीज़ आपको एक्सप्रेस में मिलेगा। 4.5-5 लाख में ये कार बहुत ही अच्छी है। बिना कोई लॉस का आप ये कार खरीद सकते हैं। अगर घर पे बड़ी कार है, छोटी कार जरूरत है तो एस्प्रेसो बेस्ट है आपके लिए। ज़रूर टेस्ट ड्राइव करें इस कार।